पांच छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के सैया। और मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो आप लोग। आज तुम्हारा भाई है एक नई लेटेस्ट वीडियो के साथ। अगर जिसने अभी गांव की सीरीज नहीं देखी है वो जाके पहले सीरीज देख के आओ, फिर आपको ये वीडियो पूरी समझ में आएगी। जिसने देख ली है, आओ करते हैं यहीं से शुरुआत। इस वीडियो में हम गांव की जो मेरे भाई की शादी थी उसकी वीडियो पूरी रिप्ले आपके सामने करने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों को गाँव की शादी देख के मज़ा आएगा और आप लोग समझ पाओगे। इसलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ से करते हैं शादी की वीडियो स्टार्ट और यहाँ से करते हैं वीडियो को शुभारंभ। गणपति पप्पा मोरिया, और चलिए दिखाता हूँ देसी शादी किस तरह होती है। और अगर वीडियो आप लोगों ने देखी हो तो हमने हल्दी से वीडियो ख़त्म करी थी, अब हल्दी से यहाँ से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं शादी की तरफ। और इस वीडियो में बहुत चीज़ें खास होने वाली हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि जो शादियों में मज़ा आता है वो गांव में ही आता है। अगर आप लोग शहरों की करते होगे, जो फील शहरों की शादियों में नहीं आ पाता है, जो कि यहाँ एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं। अगर आप लोग कभी भी लाइफ में टाइम मिले तो एक बार प्लीज़ गाँव की शादी में जाएँ और गाँव के बारे में जाने। और देखिए स्क्रीन में आपको ये दिख रहा है, इस शादी से एक दिन पहले का होता है रात में, और वो आप वीडियो धीरे धीरे आप देखते रहें और वीडियो में बने रहें लास्ट तक, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये वीडियो शादी के एक दिन पहले, जिसको कहते हैं मैन, उस दिन की है। और देखिए सभी लोग मिलके खाना खा रहे हैं। ज़्यादातर कहा जाता है कि जितने भी परिवार के लोग होते हैं इस शादी में और अगले दिन बैठ के साथ में खाना खाते हैं। देखिए हमारा कितना लंबा चौड़ा परिवार है और सभी लोग देखिए फुल खाना खाते हुए, हम तुम्हारा भाई तुम्हें वीडियो दिखाते हुए। इसलिए आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में शादी, मेहंदी, विदाई पूरी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में देखने को मिलेंगी। इसलिए मिलते हैं हम वीडियो के बीच में। यहाँ से होती है मेन वीडियो स्टार्ट और यहीं से करते हैं शादी की वीडियो स्टार्ट। और इस वीडियो में आप लोगों को हर चीज़ डिटेल में जानने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। अभी तो लेडीज़ें सब अपने अपने काम पे लग चुकी हैं। कहा जाता है कि जो जो परिवार के लोग होते हैं उनके घर पे जाके निशान लगाना होता है और कुछ गीत जो होते हैं वो गाए जाते हैं। देखिए चार पांच लोग मिलके ये लोग फंक्शन करते हैं। इस चीज़ का मुझे ज़्यादा डिटेल में पता नहीं, मगर आप लोग पूरी वीडियो देखना लास्ट तक, जिससे कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। बहुत स्पेशल स्पेशल सीन है इस वीडियो के अंदर, जिससे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने बहुत दिन मेहनत करी और बहुत दिन बाद इस पोजीशन पे पहुंच पाया हूँ कि जिससे कि आप लोगों को मैं ये वीडियो दिखा पाऊँ। इसलिए मैं ज़्यादा अपनी बातें आपको सुना के पकाऊँगा नहीं और ये नकली नकली सीन दिखा के पकाऊंगा नहीं।
इसलिए मैं करता हूँ एक छोटा सा बढ़िया सा गाना प्ले, और लीजिए वीडियो के आप लोग फुल इंजॉय, और देखिए आगे किस तरह होती है शादी। ये शाम की लास्ट वीडियो है, एक तरफ लेडी से गाना गा रही हैं और एक तरफ पूजा पाठ जो शादियों में होते हैं गांव की वो हो रहा है, और वीडियो में बने रहे लास्ट तक क्योंकि खास खास सीन है। यहाँ से होती है मेन वीडियो स्टार्ट, आज जिसकी शादी है उसको देखिए किस तरह नहलाया जा रहा है और किस तरह उसकी सेवा पानी हो रहा है, क्योंकि लाइफ में आदमी को कभी इतनी सेवा मिले या ना मिले, मगर जिस दिन उसकी शादी होती है उसको हर चीज़ कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, लोग बाग अगल बगल लगे होते हैं करने के लिए, जैसे कि इनके अभी अगल बगल लगे। और यहाँ से हम करते हैं, क्योंकि मन मन में सब सोचते हैं कि मैं तो बर्बाद हो गया बेटा तू भी बर्बाद हो, इसलिए सब खुशी खुशी करके बेचारे को करते हैं। अब चलते हैं आगे, देखिए अब भैया नहा के आ चुके हैं, अब यहाँ पे तेल कंघा किया जाएगा और शादी की शेरवानी जो होती है वो पहनाई जाएगी, और यहाँ से बनेंगे दूल्हा नंबर एक। चलिए हम देख के आते हैं बाहर क्या क्या हो रहा है। बाहर फुल धूम धड़ाके से तैयारी हो स्टार्ट हो चुकी है, सभी मेहमान खाना वाना खा रहे हैं, क्योंकि ये जिस दिन बारात जाते हैं उस दिन जितने भी लोग बाग आते हैं उनको बैठाल के खाना पीना जो होता है वो होता है, जिससे कि आप लोगों को वीडियो देख के बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने तो बहुत इंजॉय किया, मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इंजॉय कराया जाए। और देखिए हमारा इसी बहाने पूरा घर की फिर से वीडियो, और चलते हैं वीडियो के अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। वैसे तो अभी बारात निकलने में टाइम है, इसलिए अभी घर की जो चीज़ें होती हैं वो हो रही हैं, और मुझे भी अभी तैयार होना है अभी, इसलिए देखिए किस तरह लड़का तैयार हो रहा है, इसलिए चलिए हम भी तैयार होके आते हैं। हम 5 मिनट में हो जाएंगे, इसलिए पहले इनको थोड़ा सा वीडियो आप लोगों को दिखा दूं और आप लोग समझ पाएँ। देखिए अभी धीरे धीरे सारी प्रक्रिया जो होती है वो धीरे धीरे करके चलेगी आगे, और वीडियो में आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट सीन देखने को मिलेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो के लेते रहो मज़े। मैं करता हूँ एक गाना प्ले, सॉन्ग बात को सुनना पहले ही, ये वीडियो आप लोग पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे व्यू आए हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं। अभी तो स्क्रीन में आप लोग देख रहे हो लड़के को कपड़े पहनाए जा रहे हैं, अब हम भी चलते हैं, पहले कपड़े पहन के आते हैं, फुल बनठन के आते हैं, फिर आगे की वीडियो करते हैं कंटिन्यू। वैसे तो क्योंकि लाइफ में बहुत मौके आते हैं, मगर ये जो मौका होता है ये एक बार खुल के आता है, और इस दिन आदमी फुल ऐश से जीता है और अपने लिए कुछ सोचता है, और बहुत अनेक अनेक चीज़ें हैं। ऐसे आप वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी और सुनने को मिलेंगी, और गांव का देखने को मिलेगा देसी डांस, इसलिए इनको तैयार होने दो, अब चलते हैं, हम तैयार होके आते हैं। So many things I do and girl you never wanna judge, or maybe you're the reason that I ever fell in love. You never gave me drama so no need to walk away. Girl I just wanna be right with you every single day. And if there's any trouble yeah we coming through as one. You know I got your back in every way. तैयार हो गया भैया, भी तैयार हो गए और मम्मी भी तैयार हो गए। देखिए तीनों लोग की फोटो, देखिए दोस्तों सजने के बाद कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे भाई, और देखिए हमारी दादी जी को फुल निछावर करते हुए, और एक तरफ मेरे पापा भी खड़े हैं, और यहाँ क्योंकि ये शादी घर में बहुत दिनों बाद हो रही है, सब लोग फुल खुश हैं, अम्मा भी हमारी खुश है, इसलिए आप लोग लेते रहें वीडियो के मज़े, और चलते हैं आगे और देखते हैं डांस। इस खास सीन को मैं अपनी आवाज़ से आप लोगों को पकाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि 5 मिनट तक अब चलेगा नॉन स्टॉप प्ले सॉन्ग, आप लोग लेते रहे वीडियो के मज़े। देखिए फुल गांव का देसी डांस, देखिए
देखिए भैया घर से बाहर निकल चुके हैं और इससे आगे चलेंगे अभी हम पूजा पाठ जो वगैरह वगैरह होती है अभी हम वो सब करेंगे और अभी देखिए किस किस तरह से गांव की चीज़ें होती हैं और आप लोग बने रहें वीडियो के लास्ट तक क्योंकि ये दिन बहुत कम लोगों के लाइफ में आता है और जिसके आता है तो एक बार ही वो अगर कर लेता है वो चीज़ तो ज़िंदगी भर पछता है इसलिए आप लोग ऐसा ना करें अगर करना चाहते हैं तो करें। वैसे तो अभी वीडियो के लिए फुल मज़े भाई की वेडिंग की शादी इसलिए सब लोग अपने अपने फुल सुरूर में है और फुल खुश है क्योंकि बहुत दिन बाद ये दिन मिला है और देखिए आगे आगे वीडियो। वैसे तो दिल्ली की शादी मैंने बहुत करी है मगर दिल्ली की शादी में ये मज़ा नहीं आता है जो गांव की शादी में आ रहा है एक अलग सा क्योंकि एक तरफ से फिर फर फर करके लोटे उड़ाओ जितनी है आपके पास। अब ये घर से निकलते हुए की वीडियो है अभी यहाँ से चलेंगे मंदिर मंदिर में एक दो जगह करनी है पूजा और एक दो जगह और चलना है वो आप लोग चलिए देखिए किस तरह मगर गांव के लोग फुल एंजॉय करके नाचते हैं बेशक जैसा भी डांस है मगर दिल खोल के करते हैं ये अच्छी बात है इसलिए आप लोग बने रहे वीडियो के लास्ट तक जिससे कि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ पाएगी। प्ले करता हूँ सर ये मेरी क्यूट क्यूट सी दादी लाइफ में पहली बार मैं इनको डांस करते हुए देख रहा हूँ और जितने लोग नाच रहे हैं ये लोग सब परिवार के ही हैं तो मेरी दादी देखिए सबसे हटके नाच रही है कितनी क्यूट है इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। अब ना मैं आपको पकाते हुए इसलिए आप लोग लेते रहें गाँव के देसी डांस के फुल इंजॉय। लव यू दादी। माय फैमिली डांस मेंबर ये जितने लोग हैं ये सब मेरे गांव के और रिश्तेदार हैं और वीडियो में देखते रहे आगे आगे गांव की शादियों में एक चीज़ का मज़ा है गांव के बैंड का कुछ अलग ही मज़ा आता है नाचने में और फुल इंजॉय लेने में इसलिए बने रहे वीडियो। थोड़ा सा लीजिए नागिन डांस का मज़ा अगर गांव में नागिन डांस ना हो तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता और ये देखिए मेरे पापा और मेरी दादी किस तरह फुल पैसा लुटाते हुए और फुल इंजॉय लेते हुए इसलिए आप लोग लेते रहें डांस वीडियो के क्लिपों के मज़े और मिलते हैं आपसे हम बीच में। अब ये लोग यहाँ पे पूजा करने गए हैं और हम देखते हैं बाहर का सीन क्योंकि वहाँ हमारा कोई काम नहीं है इसलिए हम भी थोड़ा लेते हैं डांस के मज़े। बेशक घरों में औरतें चाहे जितना शर्माए मगर जब उनको कहीं शादी में मौका मिल जाता है डांस करने को सारी कसर निकाल लेती हैं। ये हमारे चाचा मामी और मौसी का डांस देखिए और लेते रहे वीडियो के मज़े। एक तरफ बारात निकलने की फुल तैयारी हो रही है और एक तरफ देखिए ये होता है क्या मुझे इसका पता नहीं है मगर एक तरफ से पूरी फुल तैयारी हो चुकी है और एक तरफ फुल डांस हो रहा है क्योंकि पार्टी टाइम तो है ही है इसलिए एंजॉय तो फुल बनता है इसलिए आप लोग भी से यही रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग फुल एंजॉय ले वीडियो का क्योंकि हमने तो बहुत लिया है और हमने बहुत वेट भी किया है इस दिनों का। मेरी मम्मी और भाई देखिए आपको सामने दिख रहे हैं इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखना लास्ट तक देखना और लेते रहें डांस क्लिप के मज़े।
वीडियो। अब दो पूजा कंप्लीट हो चुके हैं, अब ये तीसरी पूजा की तरफ चलते हैं और इसको फटाफट करते हैं और यहाँ से निकलेंगे, फिर अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। और मगर एक चीज़ बात बोलना चाहूँगा, जब लड़की विदा होती है तो सब रोते हैं और लड़का जब विदा होता है तो सब देखिए फुल खुश है और फुल डांस कर रहे हैं। इसलिए प्लीज़ कमेंट करके बता देना और लेते रहे वीडियो डांस के मजे। अब ये यहाँ का तीसरा मंदिर है और यहाँ पे लास्ट होगी पूजा। अब फिर यहाँ से निकलेगी बारात और फिर चलेंगे हम भाभी के गांव। वैसे तो अभी यहाँ की हम लास्ट पूजा ख़त्म करते हैं और जल्दी जल्दी ये यहाँ का जो भी काम होता है वो निपटाते हैं और इन लोगों का देखते हैं अच्छा अच्छा डांस। और बहुत चीज़ें हैं जो वीडियो के आप लोग को मिलती रहेंगी वीडियो के हिसाब से। जैसा कि आप लोग देख रहे हो स्क्रीन में, गाड़ी अब पहुँच चुकी है तीसरे मंदिर के लिए पूजा करने के लिए और यहाँ से फिर निकलेगी बारात और यहाँ से हम चलेंगे आगे की तरफ। और आप लोग लेते रहें गाँव की शादी के फुल मज़े और डांस के तो मज़े ले ही रहे हो, इसलिए बने रहें लास्ट तक। और करता हूँ एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले जिससे कि आप लोगों को बढ़िया बढ़िया सीन और चीज़ें देखने को मिले, क्योंकि ये लाइफ में कभी भी और टाइम नहीं मिलेगा मुझको। मैंने सोचा कि आप लोगों को बेस्ट दिखाया जाए, इसलिए बने रहें वीडियो के लास्ट तक और लेते रहें मज़े। गांव का फुल दिल खुला हुआ डांस। अब मंदिर की हो चुकी है पूजा कंप्लीट, अब यहाँ से चलते हैं वीडियो के आगे की तरफ। आगे की और डांस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और फिर उसके बाद होगी विदाई और उसके बाद फिर चलेंगे वहाँ पे, फिर हम लोग नाच के दिखाएंगे आपको। इसलिए मिलते हैं वीडियो के बीच में। गांव
का सबसे बढ़िया सॉन्ग मुझको ये लगता है, जैसे मुझे इस गाने में नाचना नहीं आता मगर इस ट्यून में बहुत मटकने में मजा आता है। अब हम फाइनल पूजा की तरफ आ चुके हैं, अब यहीं पे होगी पूजा लास्ट और यहीं से होगी बारात विदा और फिर उसके बाद चलेंगे भाभी के गांव। वैसे तो अभी ये करते हैं जल्दी जल्दी पूजा कंप्लीट। देखिए मेरे पूरे दोस्त फुल जोश में होश खो रहे हैं और आज तो पार्टी बनती है और पार्टी होगी भी और हम लोगों का आप लोगों को डांस देख के बहुत मज़ा आएगा। मेरे लिए बेस्ट वीडियो है क्योंकि मैंने इनको पहली बार देखा है। पापा मम्मी देखो मेरे पीछे ज़्यादा खुश हैं। फाइनली सब लोग अब डांस करके चुके हैं थक, अब यहीं से होगी बारात विदा। अभी भी कुछ लोगों में एनर्जी बाकी है, जो जो लोग डांस कर रहे हैं वो आप लोग देख रहे हो और यहां से चलेंगे फिर हम विक्रमपुर की तरफ जहाँ की ये बारात जाएगी और वहाँ का सीन मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगा। जैसा जैसा होगा हमारे साथ वैसा वैसा आप लोगों को वीडियो में पता चलता रहेगा। फाइनली वैसे आप लोगों को वीडियो देख के बहुत मज़ा आ रहा होगा। बिना किसी देरी के हम चलते हैं विक्रमपुर और ये है यहाँ की लास्ट क्लिप। अब मिलते हैं आपको हम डायरेक्ट भाभी के गाँव में। से बस यही दुआ करूँगा कि ये लोग हमेशा मुस्कुराते रहें। अब सारी पूजा पाठ ख़त्म हो चुकी है, अब यहाँ से विदा हो रही है बारात और यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। अब दूल्हे राजा बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में, अब गाड़ी उड़ेगी डायरेक्ट, चलेगी नहीं, इसलिए बने रहें वीडियो में। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है इसलिए देख के पूरा जाएं। मिलते हैं अभी लास्ट में। अब गाड़ी निकल चुकी है अपनी मंजिल की तरफ और चलते हैं आगे और दिखाता हूँ आगे का सीन। अब बारात यहाँ से विदा हो चुकी है आगे की तरफ, अब यहाँ से चलेंगे हम डायरेक्ट विक्रमपुर और विक्रमपुर से दिखाएंगे वहाँ क्या क्या होता है। मुबारक हो तुमको ये शादी।
बदबخت मर गई हाय 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 एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई हाय हाय कैसे गोरी गोरी पोती की तीखी छोरी बाबा कैसी गोरी गोरी पोती की तीखी छोरी करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी मिली छोरी ता मिली आज तो फुल पार्टी बनती है खुश रहो तुम दुआ है हमारी इश्क में बेकर साथ फेरो से बंधा जन्मों का ये बंधन प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन है नई रस्में नई कस्में नई उलझन होंठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन ये मेरे भाभी से आने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई अभी देखना होगी दो सेकंड के बाद किस तरह होगी जब इनकी विदाई होगी चलिए देखते हैं इनकी विदाई की वीडियो मैं पानी पानी हो गई यहाँ से देखिए विदाई की वीडियो और यहाँ एक चलना चाहिए सॉन्ग अब का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है
पति घर बाबुल के किसी और की अमानत है, बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। हम सबको निभाना है, पार्ट 7 वीडियो बहुत जल्द आएगी दोस्तों, बहुत ख़ास है। अब शादी की वीडियो हो चुकी है कंप्लीट, ऐसे तो हमने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को सनसेट का व्यू दिखाएं, देखो कितना मस्त है। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करके जाएं, जिससे कि पार्ट 7 वीडियो बहुत जल्द आएगी, क्योंकि उसमें सारी डिटेल आप लोगों को पता पार्ट 7 में पता चलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट जो भी वीडियो डालूँगा आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आएगी। इसलिए प्लीज़ सपोर्ट मी, और पार्ट 7 वीडियो में बहुत खास खास चीज़ें हैं, वो आप लोग देख के बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए पार्ट 7 वीडियो ज़रूर देखें। और ये मिलते हैं एक नई लेटेस्ट वीडियो में। जय हिंद। पार्ट 7 बहुत खास है, जल्दी आना।